देश में जिस तरीके से डीजल और पेट्रोल की कीमत लगातार बढ़ रही है, उसे देखते हुए लोग अब इलेक्ट्रिक वाहनों की ओर रुख कर रहे हैं। हर वर्ष लाखों लोग इलेक्ट्रिक वाहन खरीद रहे हैं। इसके लिए सरकार भी लोगों को प्रोत्साहित कर रही है। इससे डीजल और पेट्रोल पर विदेशी निर्भरता तो कम होगी ही, साथ ही यह वाहन पर्यावरण संरक्षण के दृष्टिकोण से भी बहुत लाभदायक है। इसीलिए लोग विकल्प के तौर पर CNG और इलेक्ट्रिक वाहनों की ओर ध्यान दे रहे हैं। ऐसे में आने वाले समय में इस क्षेत्र में भारी संख्या में मैकेनिक और इंजीनियरों की भी आवश्यकता होगी, जिससे बड़े पैमाने पर रोजगार के अवसर भी सृजित होंगे। इसीलिए प्रदेश सरकार लखनऊ के ITI कॉलेज में छात्रों को इलेक्ट्रिक वाहनों से जुड़ा प्रशिक्षण दे रही है। प्रशिक्षण के अंतर्गत छात्रों को इलेक्ट्रिक वाहनों को कैसे बनाया जाए, उसके बॉडी पार्ट्स क्या होते हैं, इलेक्ट्रिक वाहन कैसे तैयार किए जाते हैं और कैसे इनकी खराबी को दूर किया जाए, इस प्रकार की सभी जानकारी उन्हें दी जा रही है। विशेष बात यह है कि 11 दिनों तक चलने वाला यह प्रशिक्षण छात्रों को बिल्कुल निःशुल्क दिया जा रहा है। प्रशिक्षण के बाद छात्रों को यहीं से बड़ी कंपनियों में अच्छे पैकेज पर प्लेसमेंट भी दिया जाएगा। स्पष्ट है कि जिस तरीके से देश में स्किल्ड वर्करों की मांग बढ़ी है, उसे देखते हुए ITI कॉलेज लखनऊ द्वारा किया जा रहा यह प्रशिक्षण बेरोजगार युवाओं को रोजगार उपलब्ध कराने में कारगर साबित होगा। कौशल प्रशिक्षण से ही भारत समर्थ और सशक्त बनेगा।